बीती रात समस्तीपुर उजियारपुर में हुआ सड़क हादसा, 22 वर्षीय सन्नी कुमार की हुई मौत, पुलिस सबको कब्जे में ले ली है। ये हमारे सारू का लड़का है। क्या नाम है? सन्नी कुमार। कहाँ घर है? हीरोडी। अच्छा, मतलब कुछ पता है कैसे एक्सीडेंट हुआ है? पता तो नहीं है, लेकिन सुने हैं कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। ये मोटरसाइकिल से आ रहा था, कोई दूसरी गाड़ी मार दी क्या? अब कैसे मारा है वो भी हम डिक्लेयर नहीं बता सकते। कितना उम्र होगा इसका? उम्र 22 साल है। पिताजी का क्या नाम है? दिलीप कुमार, दिलीप राय। वही दूसरी ओर समस्तीपुर जिले के शंभूपट्टी में 55 वर्षीय फल विक्रेता रामप्रीत सैनिक को उन्हीं के गांव शंभूपट्टी में घात लगाए हथियारबंद अपराधी ने गोली मारकर हत्या संध्या 7 बजे कर दी। मृतक के पुत्र ने चचेरे भाई को हत्यारा बताया। यही हुआ सर, जो पापा मेरे आए चौक पर से, झूरा पर बैठे वो बोले, हमको बोले कि लूटा लाओ, चोर जाते हैं वो नई के रूम पर, वहाँ घर बना है उस पर। बस इतने में गए हैं, एक कहानी एक सप्ताह से चल रहा है। क्या कहानी है? कहानी सर यही चल रहा था, कुछ दिन 4 दिन पहले ये घर से झगड़ा हुआ। कौन है वो? बीजू सोनी है। वो बोला कि हम रामप्रीत सोनी तुमको गोली मार देंगे। किस कारण? वही विवादी हुई, झगड़ा नहीं हो जाता? किस चीज का? वही सही जैसे झगड़ा हो गया, किसी चीज को लेकर हुआ होगा ना? हाँ, जैसे बोला बोली होगी। अच्छा, बोला बोली में नहीं, आप लोग हम बात करते हैं, ऐसे में हो गया, यही पर हो गया कुछ। तो वो बोला कि हम गोली मार देंगे। वही ठीक 3 दिन बाद एक घटना हुई रात। कल कुछ हुआ है क्या? कल कुछ नहीं हुआ, बस इतने आए हैं, साथ में आए हैं, लूटा लिए। जमीन वमीन का भी विवाद है? हाँ, जमीन का भी विवाद है। कितने जमीन का विवाद? जमीन का विवाद यही है सर, यही 3 कट्ठा है। डी के जमीन का विवाद? हाँ, यही 3 कट्ठा का विवाद ही था। वो कौन है लड़का जो मारा है गोली? उसमें है 4। वो रिश्तेदार कोई लगता है आप लोग का? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार। कोई पटेदार है? हाँ, चाचा का लड़का है।